हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी ट्रेडर राम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मार्केट का आने वाले वीक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। डेटा के ऊपर क्या पोजीशन बन रहा है थोड़ी जानने की हम कोशिश करेंगे। अगर आप ऑप्शंस बायर हैं तो आपको क्या स्ट्रेटजी अपनाना होगा। मार्केट में वेट एंड वॉच आपको फोकस करना होगा। एक कहिए कि लॉइन की तरह, शेयर की तरह कैसे अपॉर्चुनिटी ढूंढना है, कौन से पोजीशन पे अपने चीज ढूंढना है, उस चीज़ों को हम बात करेंगे। डेटा के ऊपर प्राइस एक्शन कभी देखेंगे। इससे पहले थोड़ा सा हम अपने टेलीग्राम चैनल पर लाइव के यहाँ पर डेटा जान लेते हैं कि लाइव में क्या होता है। तो ओवरऑल आप देखें, फ्राइडे के दिन, सैटरडे के दिन तो मार्केट में बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं था, लेकिन फ्राइडे के दिन हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि मार्केट क्या रहेगा। डेटा यहाँ पर बुलिश था, स्ट्रॉन्ग बुलिश था, और मैंने यहाँ मैसेज किया कि बिग प्लेयर वहाँ पर राइटिंग कर रहे हैं पुट को। आपको क्या करना है, पुट बाई नहीं करना है आज पुट बाई नहीं करना, नॉट टू बाई सिंगल पुट टुडे। और रिटेल ट्रेडर यहाँ पे 22,200-23,000 की राइटिंग कर रहे थे। ओवरऑल डेटा के ऊपर था। चलिए बात कर लेते थोड़ा सा। अगर आपको ये सब कुछ सीखना है तो आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, ये नंबर है, आप मैसेज करिए। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर बताया जाता है। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा जाए तो सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होगा मार्केट का, 22,363 का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस 22,500 का, न्यूट्रल पॉइंट 22,430 का है। मार्केट का क्या डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। राइटर 57% जो है वो पुट में बैठा हुआ है, बायर्स कॉल में बैठा हुआ है, यानी इन द मनी ओटीएम और आईटीएम चारों तरफ से बुलिश मामला है। 22,500-22,600 मार्केट का ये लेवल ऊपर की तरफ होगा। निफ्टी का, बैंक निफ्टी 47,270 का सपोर्ट, 47,500 का रेजिस्टेंस और 47,350 का न्यूट्रल पॉइंट, यानी क्या है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ मार्केट का। अगर राइटर देखा जाए तो ओवरऑल 54% से यहाँ पे कॉल पुट में बैठा हुआ है, बायर से यहाँ पे कॉल में बैठा हुआ बिग प्लेयर, चारों यानी इन द मनी आउट ऑफ द मनी और टोटल बुलिश मामला है। 47,500-47,400 ये दोनों हमारा मार्केट का ग्रेविटेशनल फोर्स, जहाँ पे मार्केट की ग्रेविटी है, यानी बिग प्लेयर जहाँ मार्केट को ले जाना चाहते हैं वहाँ पे हाई ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर है। फिन निफ्टी 20,800 सपोर्ट, रेजिस्टेंस 29,40-30 का, न्यूट्रल पॉइंट 28,71 क्लोजिंग मार्केट जहाँ है वहाँ से थोड़ा सा ऊपर। ओवरऑल 64% राइटर यहाँ पे क्या है, कॉल पुट में, और बायर 68% कॉल में बैठा है। यहाँ पे भी बुलिश है 20,900-28,50, यहाँ मार्केट की ग्रेविटी क्या ऊपर है। ग्रेविटी की अगर बात करें तो मार्केट ऊपर की तरफ बता रहा है। मिड कैप निफ्टी 52%, यानी यहाँ पे राइटर तो इक्वल है, बायर थोड़े से कॉल में है, तो यहाँ पे भी ऊपर है 11,000-10,975 का ग्रेविटी है मार्केट में। सपोर्ट 10,940 का, रेजिस्टेंस 11,020 का, और न्यूट्रल पॉइंट 10,980 का, यानी ऊपर है। अगर देखा जाए तो यहाँ चारों इंडाइसेस बुलिश इंडिकेशन कर रहा है। बाकी अब डिटेल में मैंने कल वीडियो पोस्ट किया है, अब जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस प्राइस एक्शन क्या कंडीशन कर रहा है, कौन से लेवल पे है। अभी अगर फिलहाल देखा जाए तो आपको इमीडिएट जो सपोर्ट है वो 22,350 का, और हमारा प्राइस एक्शन पे भी, डेटा पे भी 22,380 का निकल के आ रहा है। तो ये हमारा 22,350 का ओवरऑल सपोर्ट। इसके अगर नीचे आता है तो फिर 22,280 का, ऊपर का टारगेट फर्स्ट 22,480 और 22,547, ये दो लेवल ऊपर टच करना चाहिए मंडे को निफ्टी को। बाकी लाइव का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी अभी अपना आप रेजिस्टेंस देखें जो 47,360 का, इस लेवल के ऊपर टच करके यहाँ से आया है, तो ये कभी भी यहाँ क्या है मार्केट के लिए हर्डल है 47,360। जैसे ऊपर निकलता है 47,600 का लेवल ऊपर की तरफ दिखाई देगा। इमीडिएट अभी 47,200 का सपोर्ट है यहाँ पे, यानी ये सपोर्ट जैसे ब्रेक कर देगा फिर 47,000 का लेवल दिखाई देगा। ये 47,000 का लेवल होगा नीचे की तरफ। ओवरऑल क्रिस्टल क्लियर दो ही लेवल है, आप दो लेवल आपको वेट एंड वॉच करना है। मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी की बात करें, फिन निफ्टी का 20,600 का सपोर्ट है अभी, सपोर्ट 20,600, रेजिस्टेंस 20,930 का, तो ये दोनों लेवल के अभी बीच में है, आप वेट करिए कहीं ना कहीं एक बार आने का। 20,800 सपोर्ट, तो 800 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो अच्छा पोजीशन वहाँ से आप बना सकते हैं 100-150 पॉइंट्स के लिए
आपको फिन निफ्टी में। और मिड कैप निफ्टी काफ़ी अगर देखा जाए तो अपने न्यूट्रल पॉइंट के पास मिड कैप निफ्टी 10,960 के आसपास अभी है, सपोर्ट अभी 10,880 का और रेजिस्टेंस 11,050 का है, ये रेजिस्टेंस है। तो ये डेटा, ये प्राइस एक्शन नहीं, ये डेटा के ऊपर आपको जो लाइन दिख रहे हैं सब डेटा के ऊपर है, यानी एक्सटेंड होके यहाँ तक आ सकता है अगर एक्सटेंशन होगा सपोर्ट रेजिस्टेंस का। तो जो भी हमने लेवल निकाला है आज देखें बाई पूरे ओवरऑल इसको मार्केट हीट कर रहा है। प्रीवियस में आप लेवल देखें तो ये सारे लेवल पे ही मार्केट टच कर रहा है, आप देखें इसके बाहर से नहीं गया। जितने दिन से हम इस लेवल को ड्राइव कर रहे हैं यहाँ पे, उतने दिन से मार्केट उसी लेवल में घूम रहा है, चाहे निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, मिड कैप निफ्टी, क्योंकि ये डेटा के ऊपर लेवल है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। FII अभी मार्च में थोड़े कैश में बाई किए हैं, फरवरी मंथ में वो न्यूट्रल थे तो मार्केट बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं किया, लेकिन मार्च में थोड़े से वो बुलिश हो रहे हैं। ये डेटा है दोस्तों, लाइव का डेटा जरूर आप देखिए, डिटेल में इन्होंने कहाँ पोजिशन बनाई हमने कल वीडियो पोस्ट किया, जाकर देख सकते हैं। कल मैं लाइव मार्केट में अपडेट करता रहूँगा पोजिशन कहाँ पर बन रहा है। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के आधार बनाया गया, इसके आधार पर कोई भी बाई सेल या होल्ड का पोजिशन क्रिएट ना कीजिए, अपने फाइनेंशियल वाइज जरूर सलाह लीजिए, उन्हीं के सलाह पर बाई सेल करिए। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में दोस्तों, तब तक ले जाएँ जवाब।